तलबा चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये है 9th क्लास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम ध्यान से देखना, इसको आहिस्ता आहिस्ता तैयार भी करें और ये देखें कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले एक चीज है डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस दैट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन एंड आर प्रिपेयर्ड। किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? टू ऑब्टेन द एनर्जी। अब देखें हमारी एनर्जी और ग्रोथ के लिए, अब हमारे हम लोग देखें तो ये जो फूड होता है इसके अंदर डेफिनेटली एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। अब ये स्टोर एनर्जी है इसको क्यों हम लोगों ने ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन करना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। हम इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑब्टेन करते हैं, किस लिए ऑब्टेन करते हैं? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड हमारी जो भी प्रोडक्शन है उसके लिए, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज है उस सब के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। वो जानदार जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऑटोट्रॉफ्स वो पौधे, ये ऑटोट्रॉफ पौधे होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे कैन प्रिपेयर, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसके ऑपोजिट देखें वो जो पौधे, जो वो पौधे हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। अब उसे क्या कहते हैं? जैसे इंसान है, ये क्या है? हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स क्या है? कि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते इसलिए ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे जानदार है, इंसान है, ये सारे के सारा डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। अब मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर क्या है? तो प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स अपने अंदर हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं अपनी खुराक, उसके जरिए बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसके जरिए ग्लूकोज तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करने के बाद उसको हम उसको यूज कर सकते हैं एटीपी की फॉर्म में, और एटीपी की फॉर्म में वो अपने यूज करने के बाद अपनी फूड के अंदर भी उसको स्टोर किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है? कहते हैं प्लांट्स गेट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स प्लांट्स आल्सो रिक्वायर माइनरल एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस activities and structures. The nutrients which are required in large amount are called macronutrients. यानी जिनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है वो macronutrients है। macronutrients के अंदर देखें तो ये मैं उनके नाम लेने लगा हूँ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम वगैरह, ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर आते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रेंट्स वो माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी जरूरत होती है। उनमें कौन कौन से हैं कि आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जिंक वगैरह, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर आते हैं। तो अजीज तौलबा ये पेज नंबर 140 और 141 के अंदर एक टेबल बना हुआ है, ये आप लोगों ने तैयार करना है और इसको याद भी करना है। शुक्रिया।